पीएम मोदी ने अजमेर की रैली के जरिए संदेश दे दिया है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में पार्टी की राज्य इकाई वसुंधरा राजे सिंधिया को नजरअंदाज करने की गलती ना करें। पीएम मोदी ने मंच पर जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया का अभिवादन किया, वो तस्वीर साफ संदेश बयां कर रही है कि राजस्थान में अब वसुंधरा के सहारे ही बीजेपी का बेड़ा पार हो सकता है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में है, लेकिन प्रदेश बीजेपी में मची आपसी खींचतान और गुटबाजी ने बीजेपी नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। इसी गुटबाजी के चलते राजस्थान में बीजेपी बैकफुट पर है, लेकिन ऐसे वक्त में पीएम मोदी ने अजमेर में रैली कर न केवल कांग्रेस बल्कि राजस्थान बीजेपी के भीतर झगड़े को खत्म करने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने अजमेर की रैली में खासकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर हो रही तरह तरह की राजनीतिक चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश की है। अजमेर की रैली में जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तब वसुंधरा राजे सिंधिया पहले से ही वहां मौजूद थी। वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़े तो पीएम ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। वसुंधरा ने मुस्कुराकर पीएम मोदी के राजस्थान आगमन पर शुक्रिया कहा। वसुंधरा से पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि वो क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री को नजरअंदाज करने की भूल बीजेपी में कोई ना करे, क्योंकि राजस्थान की सत्ता पर काबिज गहलोत सरकार के कामकाज से जनता काफी खुश है। तो वहीं कल पीएम मोदी के अजमेर दौरे का सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक विरोध देखने को मिला था। ऐसे में अब पीएम मोदी समझ चुके हैं कि वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। पीएम मोदी की अजमेर रैली में मंच पर लगाए गए पोस्टर में भी वसुंधरा को जगह दी गई थी। इन तस्वीरों में राजस्थान बीजेपी के हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए सांसद सीपी जोशी, बीच में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके बगल में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर की तस्वीर लगाई गई थी। बीजेपी इन तस्वीरों के जरिए साफ संकेत दे रही है कि राजस्थान में उनके ये तीन चेहरे ही प्रमुख हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।